ओम श्री कृष्ण शरण मम ओ श्री कृष्ण शरण मम ओ श्री कृष्ण शरण मम ककारादि श्री कृष्ण सहस्रनाम स्त्रोत्र ब्रह्मांड पुराण फल श्रुति भाग मैं अपने इस चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज इस वीडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जी का सहस्त्र नाम ककार आदि सहस्त्र नाम इसकी फलश्रुति का भाग इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं इसकी फलश्रुति के भाग में बहुत सारे श्लोक और शब्दों के माध्यम से इसकी महिमा का वर्णन किया गया है कहीं कहीं कुछ श्लोकों का अर्थ मैं बताने का प्रयास भी करूँगा तो इस दिव्य सहस्रनाम के महात्म्य को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को अंत तक आप अवश्य ही देखें इस दिव्य सहस्त्र में श्री कृष्ण जी के सभी नाम क से प्रारंभ होते हैं तो यह सहस्त्र काफ़ी दिव्य है काफ़ी प्रभावशाली भी है और उसी के अनुरूप फलश्रुति में बहुत सारी जानकारी भी दी गई है तो प्रारंभ करते हैं फल श्रुति श्री श्रीसर्वभाग्यवर्धन श्रीपति प्रियमकादीना सहस्रम परकीर्ति सर्वापराधशमन रुतिगोचर कलिकाकदमन क्रूर शत्रु शत्रुकंदनम क्रूर पाप पापसमूहम क्रूर कर्म विनाशनम क्रूरासुरौघसंहारकारकं क्लेशनाशनं कुमार्गदलनं कष्टहरणं कल्मषापहम् कुबुद्धि शामनम् क्रोधा कंधनम् कांति कुविद्या दमनम् काम मर्दनम् कीर्ति दायकम् कुतारकर नाशनम् कांतम् कुपथार नवशोषनम् हरम काल भयापहम् ज्ञान कोटिजन्माजिता ज्ञाननाशनक दिवाकरिजन्जित अरिष हरम काल भय अपहम कोटिजन्माजित अज्ञाननाशनयक दिवाकर इसका अर्थ है कापट्यपटलध्वसी काकहुताशन कालुष्य कीर्ति कीर्तिश्रीमतीदम सता कोपोपतापशम कंसारी स्मृतिदायक कुलाचार विचारस्थ कुल प्रवर्तक कुलधर्मरताद कुलदीपक कुत्साग निराकर्तकुपथाचार्जिम कल्याण मंगलागारम कलवृक्ष सम सता कौटिलशन काशीवासफलप्रदम अतिगुह्यतर पुंसा भोगमोक्षन अत्यंत स्नेह युष्मद अग्रे प्रकाशित न वक्त न वक्त न वक्त कदाचन यहाँ कहा जा रहा है कि इस दिव्य स्तोत्र को इन सबके आगे कभी नहीं कहना चाहिए पाप्य अग्रे कुटीलाग्रे चराग्यग्रे पिशुनाय वै द्रोहग्रे मलिनाग्रे चपट्यग्रे विशेषत लंपटाग्रे अभिम अग्रे काम्यते क्रोधिने तथा लोभ्यग्रे गर्व अहंकार भाजिने संसारासक्तचिताग्रेवाद्यग्रे घातिने अपीवा इन श्लोकों में कहा गया है कि जो पापी हो पाप्य अग्रे उसके सामने कुटिल जो हो राग जो पशु के समान हो पिशुनाय द्रोह अग्रे द्रोही के सामने मलिन आग्रह जो गंदा रहता हो कपट्य अग्रे जो कपटी मनुष्य हो लम्पटाग्रह जो अभिमानी हो अभिमान्य अग्रे काम्यते जो कामी हो क्रोधी हो लोभी हो तस्कराग्रह जो तस्कर आदि का कार्य करता हो गर्व अहंकार भाजने जिसमें काफी गर्व हो अहंकार हो तो इस तरह के मनुष्य को यह स्तोत्र नहीं देना चाहिए मताभिमानिने गोप्यम मदीयम स्तोत्रम उत्तमम् शांताय भक्ताय निर्मलाय दयालवे संतोषिने सुशीलाय सुपात्राय दिजात विवेकिने मद भक्ताय विशेषतः इन श्लोकों में कहा गया है कि जो शांत मनुष्य हो जो भक्त हो निर्मल हृदय वाला हो दयालु हो दयालवे, संतोषी ने संतोष करने वाला हो सुशील अच्छे चरित्र का हो सुपात्र हो विवेक जो विवेक और बुद्धि से कार्य लेने वाला हो ने जो ज्ञानी मनुष्य हो और मध्य भक्ता या जो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो मेरा भक्त हो विशेषतः उसे अवश्य ही देना चाहिए मद भक्ताय विशेषतःदृत नि पठते अहर्निशम जनह अहर्निशम लगातार दिन रात सुबह शाम हमेशा इसका पाठ करने वाला महात्म्य तस्य पुण्यस्य मया वक्त न शक्यते जो इस स्त्रोत्र का हमेशा पाठ करता है प्रतिदिन पाठ करता है उसकी सारे महात्म्य का बखान करना जो है शक्ति के बाहर है महातम्यम महात्म्यम तुण्य मैं वक्त न श्यते एक वरम स्त्रोत्र यहाँ नरोत्तम एक वरम एक, वारम, एक, वारम, एक बार पाठ करने से भोग मोक्ष प्रधान स भविष्य न संशय किं पुनः पठनादस्य सर्वसिद्धः करे स्थिता करे मतलब हाथों में एक बार के पाठ से भी वह बहुत सारी सिद्धि अपने हाथों में कर सकता है किम पुनः पठनादस्य सर्वसिद्धः करे स्थिता भोगार्थी लभते भोगान योगार्थी योग साधना कामार्थी लभते कामान प्रजार्थी लभते प्रजा विद्यार्थी लभते विद्या मोक्षार्थी मोक्षम लभते द्रव्यम द्रव्यार्थी लभते द्रव्यम प्रियार्थी लभते प्रियम मानार्थी लभते मानम राज्यार्थी राज्यम उत्तम ज्ञानार्थी लभते ज्ञानम सुखार्थी लभते सुखम इन श्लोकों में कहा जा रहा है कि जिसे भोग की इच्छा हो भोगार्थी योगार्थी जिसे योग साधना की इच्छा हो कामार्थी जो कामी मनुष्य हो प्रजार्थी जिसे बहुत सारे प्रजा की इच्छा हो विद्यार्थी जिसे विद्या की आकांक्षा हो मोक्षार्थी जिसे मोक्ष चाहिए पाने का जो इच्छुक साधक हो द्रव्यार्थी द्रव्यार्थी जिसे धन संपत्ति चाहिए प्रियार्थी जिसे अपनी प्रिया को प्राप्त करना हो मानार्थी जिसे मान सम्मान इज्जत चाहिए राज्यार्थी जिसे राज्य चाहिए ज्ञानार्थी जिसे ज्ञान चाहिए सुखार्थी जिसे सुख चाहिए तो जिस साधक को जिस जिस चीज़ की इच्छा होती है सब कुछ प्राप्त होता है इसीलिए स्त्रोत्र पाठ के प्रारंभ में जब विनियोग करते हैं तो अपनी मनोकामना को स्पष्ट रूप से बोलकर तब पाठ करना चाहिए और मनोकामना जो बोली गई मनोकामना होती है उसी के आधार पे फल प्राप्त होता है कीर्त्यर्थी लभते कीर्तिम ब्रह्मार्थी ब्रह्म निर्गुणम पुष्टयर्थी लभते पुष्टिम तुष्टयर्थी तुष्टि आत्मनि निरीहो लभते नूनम मत्पदम देव दुर्लभम इन श्लोकों में कहा गया है कि जिसे कीर्ति चाहिए कीर्ति जिसे ब्रह्म की प्राप्ति चाहिए उसे निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति भी होती है पुष्टअ्यर्थी पुष्टि के लिए तुष्टि के लिए सभी लोगों की अपनी अपनी इच्छाएं पूर्ण हो सकती है पूर्ण होती है किम दान किम व्रत यज्ञ याग आदि भी तथा फिर क्या दान क्या व्रत क्या तीर्थ क्या यज्ञ और क्या याग आदि करने की आवश्यकता है स्तोत्र के पाठ से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है अस्य श्रवण मात्रे नर्वयज्ञ फलम लभे नातह परतरम पर्तर ज्ञानम ना पर्तर तप ना पनम ना पर्तरो जप नातह परतरा सिद्धिर्नात परतरो मख श्लोक 326 अस्य श्रवण अस्वण न सिर्फ़ मात्र से भी सभी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है नातह मतलब न अत तो इससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं है पर परतरम तप इससे ऊपर कोई तप नहीं है इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है कोई जप नहीं है कोई सिद्धि नहीं है मतलब सब कुछ इस स्त्रोत्र से प्राप्त हो सकता है पर परतरम द्रव्यम नातः परतरा क्रिया यदम पठते भक्तया श्रीनु याद्वा समाहितः स ज्ञानी स तपस्वी च ध्यानी जय तत्पर स सिद्धो भाग्यवान्ीमा क्रियावान्न बुद्धिमानी जिता जगत्सर्व येद पठित श्रुत किनर्भक्ति भोग मोक्ष कॉटिजन्माज पुण्यलभ्य भाग्य तो यदा तदा भाग्योदय पुंसामचारण सारा सार तर शास्त्र त्ञानदायक ज्ञा ध्यान परम तत्रापि ज्यान लयता यथा तथै वेदं महास्तोत्रं तथै वेदं तथैव इदं समान है तथै वेदं महास्तोत्रं विनामत् कृपया किल दुर्लभं त्रिशूलोकेषु सर्वसिद्धि प्रदं सतां यथा भक्ति स्त्रीलोकेषु दुर्लभा मम देहिनाम तथ वेदम महास्त्र सद्युज्यदायक सर्वापराधशमन लोके कलद्रुम प्रभम लोके कलपद्रुम प्रभम यहासुदर्शन लोक दुष्टदैत्य निबर्हण तथ् वेद परम स्त्र कामिकयापहम अवर्तना नश्यत्या जन्म जन्मसचि दशावर्तनत पुंसा शत जन्मार्चित अस आवर्तना पापम जन्म जन्मसचिता दशावर्तन तुंसा शत जन्मरार्चित इसका एक पाठ प्रतिदिन करने से जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है शतावर्तन मत्रेन देव भवे नर आवर्तन सहस्रैच मद्गति लभते अचला मम लक्षात स्वयं हरी ही। लक्ष्य तो एक लाख पाठ से भगवान कृष्ण का सायुज्य प्राप्त होता है सात प्राप्त होता है और दस लाख जब से साधक स्वयं हरि के समान हो जाता है तस्मा नव प्रदातव्यम मदीय स्त्रोत्र उत्तम पुत्र अयुतान पाठान कारय्वा ममालय सहस्र नाम भिर्दिव्यर्जुहुयाद धृत पायस श्लोक में कहा गया है कि जिसे पुत्र की कामना हो तो अयुतान दस हजार दस हजार पाठ ममालय मतलब कृष्ण जी के मंदिर में कृष्ण जी बोर्डे ममालय मेरे आलय में तो उनके मंदिर में दस हजार पाठ करना चाहिए और सभी दिव्य नाम सहस्रनाम दिव्य सभी दिव्य नाम से हवन करना चाहिए घृत और पायस पायस मतलब खीर तो घी और खीर से सभी दिव्य नाम से हवन करना चाहिए शर्करा मधु संयुक्त दल समन्वित मनान भोजयेद भक्तया नाम संख्याम इतानी है राज्य कामो अयुतान नित्यम पठेद्वा पाठेद द्विजान शिवालय सहस्रैश्च होम होमेद आज्य पायसै राज्य की कामना हो तो भगवान शिव के मंदिर में इसका दस हजार पाठ प्रतिदिन करना चाहिए और हवन के लिए आज्य मक्खन को बोलते हैं और पायस खीर तो मक्खन और खीर का हवन करना चाहिए ब्राह्मण भोजयन नूनम अयुतक यथा विधि दक्षिणा दापे क्षक्तया दक्षिणा दापेत शक्तिया विषाढ़ न कारएत और ब्राह्मण भोज आदि के बाद दान दक्षिणा भी यथाशक्ति देना चाहिए वित्तषाढ़ मतलब उसमें कोई कटौती नहीं करना चाहिए कोई उसमें कमी नहीं करनी चाहिए जितनी शक्ति हो देना चाहिए सहस्रम एकम कन्याथी पठे द्वा किल देव्यालय तथा नित्यम धन कामो अपि पाठयत कीर्ति कामो अयुतम भाकत्या पठेद वृंदावने सदा जिसे कीर्ति और यश चाहिए तो दस हजार पाठ वृंदावन में करने को कहा गया है जय कामो ही दुर्गाम शत्रु संहार कार कह अगर युद्ध में विजय की कामना हो जय की कामना हो तो माता दुर्गा जो शत्रु संहारिणी है उनके मंदिर में उनके समीप इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए जय कामो ही दुर्गायाम शत्रु संहार संहारकार आयुहु कामो नदी ज्ञानार्थी पर्वतो पर्वतोपरी मोक्षार्थी भक्ति भावेन मंदिरे मम सन्निध आयु लंबी आयु की कामना हो तो नदी के किनारे ज्ञानार्थी ज्ञान की कामना हो तो पर्वत के ऊपर पर्वत के शिखर पर मोक्षार्थी मोक्ष की कामना हो तो मम सन्निधो भगवान कृष्ण बोलने कि मेरे नजदीक करना चाहिए इसका पाठ मोक्षार्थी भक्ति भावेन मंदिरे मम सन्निधो पाठ संख्यान द्विजान भोज्यान पायसैह शर्करा प्लुत धृत धारा भीर मम प्रीति विवर्धन धृत धारा घी की धारा से हवन करने से भगवान कृष्ण से प्रीति बढ़ती है सर्वकाम नाम, नाम सहस्रम मम दुर्लभम कामना च मुक्तिदम सागरात इदम सहस्रम नाख्यम स्त्रोत्र सर्वापराध सर्वापराधशमन पढ़ अहिशम अन्यथा न गतिर्नूनं त्रिषु लोकेषु कुत्रचित् वैष्णवानां विशेषेण वैष्णवा मां का जनाः दुर्लभम दुष्ट जीवानां मदीयं स्तोत्रं अद्भुतं लोके अस्मिन् दुर्लभो गोप्यो मुक्ति मार्गो मनीषिनं सुलभो मम भक्तानां स्तोत्रेनानेन निश्चितं इस श्लोक में कहा गया है श्लोक संख्या तीन सौ इक्यावन लोके अस्मिन दुर्लभ हो गोपियों के लिए भी यह दुर्लभ है और जो मुक्ति का मार्ग चाहते हैं मनीषीगण उनके लिए भी दुर्लभ है लेकिन श्री कृष्ण जी के जो भक्त हैं सुलभो मम भक्ता नाम तो उनके भक्तों के लिए यह स्तोत्र सुलभ है तावद गर्जन्ति पापानी तावद गर्जन्ति शत्रव वद गर्जति लभ्यते यभ्य बहुनोक्तेन त्वद् अग्रे गोपिका मया मम प्राणाधिकम् स्त्र सदा आनंद यह स्तोत्र कृष्ण जी को प्राणों से भी अधिक प्रिय है और यह स्तोत्र सदा आनंद का वर्धन करने वाला है वृद्धि करने वाला है अत्यस्नेह भादीन व्रजांगना मै प्रकाशित स्त्रम तदा वशी एवं उत्तवा हृषि केश शरणागत वत्सल प्रहसन सहसोत्थ क्रीड़ा चक्रे पुनर्जले। श्री नारद उवाच गुह्यतरम स्त्र दुर्लभम देहधारिण मै तद्दया प्रोक्त तवग्रे व्यास भावत कस्याग्रे कसाग्रे विना आज्ञया शुकाग्रे वा गोपनीय धरातले तद एव स्वयं साक्षाद अगति नाम गति प्रदह बुद्धया विष्ट निजानसेन पूर्णानंद स्वलीलया कलिग्रस्तान जनान सुयान उद्धर्तुम करुणा निधिहि जनान् सुयान उद्धर्तुम जनां सुयाम उद्धर्तुम समान है स्वयं एवात्र विख्यातम करिष्यति न संशयः एतद सहस्रनाम परमानन्द एक लोके यस्मिन् किलाकादी नाम रचना अलंकार शोभानविताम येषां कर्णपुटे पतिष्यति महाभाग्यदीह अलौकिकम तेषां नयवकिम् अप्य अलभ्यम अचिरात कल्पद्रुमाभम सताम श्री ब्रह्मांड पुराणे अध्यात्मक भागवते श्रुति ककार आदि श्री कृष्ण सहस्रनाम श्री कृष्ण जी का यह सहस्रनाम ब्रह्मांड पुराण के श्रुति रहस्य भाग में मिलता है और यह ककार आदि आदि मतलब प्रारंभ ककार मतलब सभी शब्द क से प्रारंभ होते हैं तो ककार आदि शहस्त्र नाम है इस शहस्त्र नाम की पीडीएफ की फ़ाइल के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो पसंद आती हो तो शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद